आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलिटी के बारे में। वेलकम टू माय चंद्र मरसार एकेडमी, दिस इज हिमांशु, लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। सो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में पहली यूनिट में आपका पहला चैप्टर है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें कि हम बेसिक पढ़ते हैं नॉर्मलिटी और मोलिटी के बारे में। तो इसी चैप्टर में आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज द बेसिकली नॉर्मलिटी। देखिए, नॉर्मलिटी तो स्टूडेंट को पता हो जाती है, बट ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करना रहता है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना होगा कि नॉर्मलिटी क्या है। सर, नॉर्मलिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब कि सर, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं NaOH का, तो NaOH की नॉर्मलिटी और मोलिटी जो है वो सिमिलर होती है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है NaOH का सर 40 ग्राम है, तो 40 ग्राम NaOH को मैं वे करूंगा और 1000 ml ऑफ वाटर में मैं डाल दूंगा, तो मेरा वन नॉर्मल NaOH का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात को समझनी होगी कि सर क्या करना है। सबसे पहले मेरे को वेइंग एनालिटिकल बैलेंस पे जाना है, वहां पे मुझे 40 ग्राम NaOH वे करना है और उसके बाद मुझे उसको 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ट्रांसफर करना है। तो ये जो 1 लीटर का सॉल्यूशन बनेगा आपका, 1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि हम मोलरिटी में करते हैं। मोलरिटी में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे NaOH की केस में नॉर्मलिटी और मोलरिटी सिमिलर है। अब सिमिलर क्यों है सर? बिकॉज यहां पे इसका इक्विवेलेंट वेट जो है वो कितना है, वो OH के कारण क्या है, एन वन वन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने बेस मॉलिक्यूल हैं, वन OH, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलिटी और मोलरिटी जो है वो सिमिलर है। अब बात आती है कि सर इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कैसे करना रहता है। मतलब कि अगर मैं HCl की बात करूं, तो HCl में भी सर नॉर्मलिटी और मोलरिटी सिमिलर है बिकॉज ऑफ वन एच प्लस आयन प्रेजेंट। अब मैं बात करता हूँ H2SO4 की, तो H2SO4 में हम जैसा कि जानते हैं कि क्या करूंगा, मैं मोलरिटी को 2 से डिवाइड करूंगा। ये 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, बिकॉज 2 प्लस एच प्लस आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो उसकी नॉर्मलिटी निकल जाएगी। अब ये बेसिकली फंडा जो है वो फॉर्मूले से हमको समझना होगा, ताकि हर समय आपको इजी रहेगा उसकी नॉर्मलिटी निकालने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से नॉर्मलिटी के फॉर्मूले से। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, द कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। सबसे पहले हम निकालेंगे किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, किसी भी एसिड का, चाहे वो HCl हो चाहे वो H2SO4 हो, तो उसका मेरे को इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट टू बेसिसिटी। ओके, तो इक्विवेलेंट वेट इज एसिड इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब ये क्या होगा कि अगर वो एसिड है तो उसका डिवाइड किससे करेंगे हम, उसकी बेसिसिटी से, और अगर वो बेस है तो उसका हम मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करेंगे एसिड है तो बेसिसिटी से और बेस है तो एसिडिटी से। वो कैसे, देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। देखिए, बेसिसिटी इज ए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट इन द एसिड। मतलब कितने हाइड्रोजन आइटम को वो रिप्लेस करता है, उस हिसाब से हम उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी निकालते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जैसे कि मैं फॉर्मूला जानता हूँ, यहाँ पे H प्लस आयन जो है वो 1 है, कितना है, H आयन 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिकुलर वेट जो है वो 36.5 है। 36 कैसे आया सर, 1 प्लस 35.5, Cl का मैं जानता हूँ 35.5 है, 1 36.5। तो मॉलिकुलर वेट, जैसे कि मैं फॉर्मूले में क्या था कि सर फॉर्मूले में जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करना है आपको बेसिसिटी से। तो यहाँ पे देखिए HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5 डिवाइड बाय बेसिसिटी कितनी है HCl की, 1 है सर, ड्यू टू 1 H प्लस आयन इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36.5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 36.5। मतलब इसकी नॉर्मलिटी और मोलरिटी जो है वो सिमिलर आएगी बिकॉज इसकी बेसिसिटी जो है वो 1 है। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल किसका है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। क्या फॉर्मूला होता है सर H2SO4, इसमें क्या होगा, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा सर, H प्लस आयन कितने हैं, 2 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है H2SO4 का सर, 98 होगा, तो 98 को मैं डिवाइड कर लूंगा 2 से, तो ये इक्वल आ जाएगा मेरा 49।
कितना आ जाएगा 49, मतलब 49 वेट को या वेट करके मैं 1000 ml ऑफ वाटर में डालूंगा तो मेरा 49 जो है इसका नॉर्मलिटी आ जाएगा। मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट जो है किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर लेंगे उसके बेसिसिटी या एसिडिटी से। अगर एसिड है तो बेसिसिटी से और बेस है तो एसिडिटी से। तो यहाँ पे बेसिसिटी H2SO4 में दो क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे H2 आयन प्रेजेंट है। ओके, तो ऐसे इस हिसाब से आप किसी भी बेस का, कोई भी बेस का जो है आप क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब ये तो यहां तक तो बात थी बेस की, अब मैं बात करता हूं एसिड की। या अब मैं बात करता हूं बेस की, बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इट इज अ रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट टू इट्स एसिडिटी, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। मतलब जैसा कि हम एसिड में करते थे बेसिसिटी से डिवाइड करते थे, यहां पे क्या करेंगे हम एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर, NaOH बोले तो 40, 23 Na का, O का 16 और H का 1, तो ओवरऑल कितना हो गया 40। तो 40 ग्राम लेके सर इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, 40 डिवाइडेड बाय एसिडिटी। तो यहाँ पे NaOH में OH मॉलिक्यूल कितने, देखिए यहाँ पे देखिए, एसिडिटी इज ए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द OH, मतलब OH आयन कितने प्रेजेंट है किसी भी बेस में, उस हिसाब से उसकी एसिडिटी निकाली जाएगी। तो कितना हो जाएगा सर, 40 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू, 40 क्या है मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूले में क्या है मॉलिक्यूलर वेट, डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितनी 1, बिकॉज ड्यू टू OH 1 प्लस 1 आयन प्रेजेंट है। तो 40 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइड कितना हो गया 40 हो गया। तो इसका मतलब NaOH की सर नॉर्मलिटी और मोलिटी जो है वो इक्विवेलेंट है ड्यू टू इसके एसिडिटी जो है वो एक ही है। ओके, ये तो एग्जांपल हो गया हमारे NaOH का। एक और एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका एग्जांपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, OH का होल ट्राइस, CaOH का होल ट्राइस। तो यहाँ पे OH आयन कितने प्रेजेंट है सर, 2 है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सर बस सिंपल है, 74 को हमको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। ओके, डिवाइडेड बाय बेसिसिटी की, सॉरी एसिडिटी करनी थी, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिवाइडेड बाय एसिडिटी कितनी इसकी 2 है, तो इक्विवेलेंट कितना हो गया 37, कितना हो गया 37। तो 37 ग्राम को मेरे को वे करना है और 1000 ml ऑफ वाटर में मैं डालूंगा तो 1 नॉर्मल मेरे को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सर एसिड और बेस, तो ठीक है अगर मेरे पास कोई जो है सॉल्यूशन वो है सॉल्ट में प्रेजेंट है तो उसकी एसिडिटी बेसिडिटी मैं कैसे निकालूंगा। सॉल्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वैलेंसी, मतलब कितनी वैलेंसी है उस सॉल्ट में उस हिसाब से। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब कैसे लेंगे, एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला है सर, Na2CO3। ओके, Na2CO3 ही है, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, Na प्लस आयन कितने हैं यहाँ पे 2 है, कितने हैं 2 है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, यस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सो क्या हो गया Na2 प्लस Na2CO3, मतलब यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, सोडियम आयन कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट जो है 106 होता है, 106 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा ड्यू टू द Na2, मतलब वैलेंसी कितनी है 2 है, तो डिवाइडेड कितना ग्राम 53 ग्राम को मैं लूंगा 1000 ml ऑफ वाटर में, तो मेरा 1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी सर, एग्जाम्पल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या होगा कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये बताइए, NaHCO3, मतलब यहाँ पे N कितना है 1 ही है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1 ही होगी सर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 84 है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 84, इसकी नॉर्मलिटी और मोलिटी वो है सिमिलर रहेगी। तो इस हिसाब से हम किसी भी मॉलिक्यूल का नॉर्मलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। मतलब नॉर्मलिटी मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट पर लीटर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मेरे को इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, और इक्विवेलेंट वेट के लिए जो फॉर्मूला है वो मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि सर इक्विवेलेंट वेट का मतलब ये है कि अगर वो एसिड है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, बेस है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी, और अगर कोई सॉल्ट है तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय उसकी वैलेंसी।
उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट वेट को, और इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला है वो यहां पे रखेंगे, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 नॉर्मल सॉल्यूशन मेरे को मिल जाएगा। अब बात आती है नॉर्मल कैलकुलेशन की, कि कोई भी सब्सटेंस में कैलकुलेशन करनी है उनके नॉर्मलिटी तो किस हिसाब से करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमेशा जनरली हम यूज करते हैं N1V1 इक्वल टू N2V2। यहाँ पे क्या होगा, N1 आप किसी भी हिसाब से रख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में ऐसा दे रखा है नॉर्मलिटी ऑफ नोन सॉल्यूशन, V1 इज ए नॉर्मलिटी नोन वॉल्यूम ऑफ नोन सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन N2 एंड नॉर्मलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज V2। तो इस हिसाब से कुछ फॉर्मूला बन जाएगा N2 इक्वल टू V2 N1 इंटू V1। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी को। ओके, सो बेसिकली यहां तक हमने कंसेप्ट समझा नॉर्मलिटी के बारे में, ठीक है। तो इसके आगे हम एक मोलरिटी के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए मोलरिटी तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन, मतलब कि किसी भी मॉलिकुलर वेट जो है, नंबर ऑफ मोल को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं किसी भी मॉलिकुलर वेट के हिसाब से। तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि NaOH का मेरे को 1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा सर, 40 ग्राम लूंगा और 1000 ml ऑफ वाटर में उसको डाल दूंगा, तो 1 मोलर मेरे को NaOH सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस हिसाब से मैं मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। और नॉर्मल जो कैलकुलेशन है वो सिंपल ही N1V1 और N2V2 की जगह M1V1 और N2V2 के हिसाब से मैं निकाल सकता हूं। ओके, इसी के साथ आपका होप सो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके एक्सप्लेनेशन देने की, आंसर देने की। और मैं बताना चाहूंगा फॉर बीफार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आपके थ्योरी के रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो लगभग सारे के सारे मैं डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, व्यू चैनल में जाइए, चेक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की बनी हुई है। इवन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपको चाहिए वो भी मैंने एक एक करके सेपरेट अपलोड कर चुका हूँ। इवन आपके मेन एग्जामिनेशन के पेपर जो है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।